देखिए ओपन हाइलो जो बनाया वो आपको आप लोग को लाइव मार्केट में काम पे आएगा। और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट और प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट भी है, वो भी काम पे आएगा। और आप लोग चेक है, और एक चीज़ चेस कर सकता है जो एंड ऑफ द डे ओपन हाई लो जो दिखाता है ओपन इक्वल्स टू हाई ओपन इक्वल्स टू लो, वो आप लोग चेक कर सकता है कि वो उसका नीचे या उसका ऊपर में 90% केस नहीं जाएगा। दो ये तब भी मेरा सलाह ये है कि आप लोग ये लेवल और ट्रेंड देख के ही ट्रेड करें। तो पहले स्क्रीन कर लेते हैं। 1 कर दिया 2 कर दिया 3 को भी कर लेता है, उसके बाद इधर देखता है और एनटीपी को बढ़ा लेता है। घटक 100 कर लिया, उसके बाद एम ए का क्रॉसओवर हो चुका है और एम एस सी डी को कर लेता है पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, और आर एस आई को भी स्क्रीन कर लेता है सेल साइड पे। इधर भी ये पॉसिबल ब्रेकआउट भी कर लेता है, इधर देखिए सब पिवट पॉइंट और S1 के बीच में आ गया एलडीपी का पोजीशन। मूविंग एवरेज था 515 और 30 का क्रॉसओवर भी मान जा सकता है। और इधर देखिए नेगेटिव चेंज इन प्राइस ही है, एक है इधर, इसको करने का ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम भी नेगेटिव है, ओपन इंटरेस्ट भी नेगेटिव है, इंटरेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। तो प्राइस बढ़ा है तो भी प्राइस कम है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, ये अच्छा ही है। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको स्टॉप लॉस टारगेट स्टॉप लॉस आप लोग पिवट पॉइंट में रख सकते हैं, टारगेट तो दिया हुआ ही है, पिवट पॉइंट में रख सकता है, मूविंग एवरेज में भी रख सकता है। आप लोग इसको ऑप्शन चेन, मेरा तो टाइम नहीं होगा तो मेरा ऑप्शन चेन में और चार्ट में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप लोग देख सकते हैं इसको।